بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا इरशाद बारी ताला है ऐ ईमान वालों खुद खुलू फिस सिल्म काफा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गुज़िश्ता जुमा बल्कि चंद जुमाओं से विलायत औलिया इकराम उनका मकाम मर्तबा और उनकी सिफात आलिया और उनकी अलामात के ताल्लुक से जो कुछ कुरान पाक और अहादीथ नबवीया अला साहिबी सलातु तस्लीम में बयान किया गया है उसका तज़किरा जारी वसारी था। गुज़िश्ता जुमा जो आयत करीमा पढ़ी गई रब तबारक व तआला का फरमान जिसका मफहूम और खुलासा ये कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत होने से बचा लिया उन खुश नसीबों के लिए अमन है और वो लोग हिदायत याफ्ता हैं। मौला तबारक व ताला ने ईमान लाने के बाद जो कुछ एहतियातें करनी हैं उस ईमान को ज़ाया होने से बचाने के लिए उस ईमान को बर्बाद होने से बचाने के लिए और उस ईमान को गारत होने से बचाने के लिए मौला तबारक व ताला ने ईमान ले आने के बाद भी चंद बातों की बल्कि बहुत सारी बातों की हिदायतें फरमाई हैं। ईमान ले आने के बाद भी रब तबारक व ताला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मुखातबत ईमान वालों से ही है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान ले आने के बाद ही है कि अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत न करो और जो जुल्म के साथ अपने ईमान को खलत मलत होने से बचा लिया जुल्म की आमेज़िश से अपने ईमान को महफूज कर लिया उनके लिए मौला तबारक व ताला ने अपनो सलामती की जमानत अता फरमाई है। मौला तबारक व ताला की तरफ से जमानत मिल गई उन्हें अमन की सलामती की और हिदायत याफ्ता होने की सनद मिल चुकी है। चुनांचे इसी तनाजुर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो इरशाद मुबारक कि अपने सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन की मुकद्दस जमात से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
दरियाफ्त फरमाते हैं। अमूमी तौर पर किसी भी मज़मून को सहाबा इकराम के ज़हन नशीन करने के लिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तिफ़सार फरमाते, सवाल फरमाते कि वो अपने जहन से जो कुछ बयान करते हैं जवाब के तौर पर, उसके बाद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका जब जवाब इनायत फरमाते हैं अपने इल्म नबुव्वत के मुताबिक, तो फिर वो जवाब सहाबा इकराम के जहनों में एक कंदा हो जाता और फिर ताकिया में क़ियामत आने वालों के लिए भी एक उस्वा और एक बेहतरीन नमूना कायम हो जाता कि किसी के बाद जहन नशीन कराना हो, उसके जहनों में उस बात को कंदा करवा देना है, तो फिर ये उसलूब और ये तरीक़ेकार अपनाया जाए और इख्तियार किया जाए। ऐसे बहुत सारे मामलात में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा से इस्तिफ़सार फरमा लेते हैं। जैसे नमाज के फ़ज़ाइल के बाब में हदीस आती है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से दरियाफ़्त फरमाया कि किसी के दरवाजे के पास से, घर का दरवाज़ा दरवाजे के सामने बिल्कुल दरवाजे के पास से साफ़ और शफाफ पानी की नहर जारी हो, साफ़ और शफाफ पानी की नहर जारी हो और वो बंदा रोज़ाना 5 मरतबा उस नहर से गुस्ल करता हो, नहाता हो रोज़ाना 5 मरतबा, तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रह सकता? इस सवाल के जवाब में सहाबा इकराम ने जवाब मारूज़ा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में रखा कि नहीं या रसूलल्लाह, ऐसा बंदा जो रोज़ाना उसके घर के सामने साफ और शफाफ पानी की नहर जारी हो और रोज़ाना 5 मरतबा उससे वो गुस्ल करता हो, तो भला उसके जिस्म पर मैल कैसे बाकी रह सकता है? वो जवाब दे दिए अपना, एक मिसाल थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इसी तरह रोज़ाना 5 मरतबा नमाज फजगाना की पाबंदी, फजर नमाज फजर दोहर असर मगरिब ईशा, रोज़ाना 5 मरतबा जो नमाजों की पाबंदी से एहतमाम कर लेता है तो उसके बदन को भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के मैल और कुचैल से ऐसे ही साफ फरमा देता कि उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहता। सवाल फरमाया हुज़ूर ने पहले, सहाबा ने जवाब अर्ज किया, ये एक अंदाज है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही सवाल फरमाया था, मुफ़लिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, उर्फ़े आम में जो होता है कि मुफ़लिस वो है जिसके पास ना दिरहम है ना दीनार है, ये इनका जवाब आ गया। हुज़ूर ने फरमाया कि हकीकी ऐसा मुफ़लिस और ऐसा कंगाल दिरहम और दीनार की आने जाने का मामला तो ये कि इंसान खुद कहता है, जो इंसान उसी को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी तमाम की मेहनत जस्तजू सर्व कर देता है, उसी के हुसूल के लिए तगोदौ करता है, वही अपनी ज़ुबान से कहता है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है जी, ये तो हाथ का मैल होता है, ये इसका ये अपनी जगह। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकीकी मुफलिस वो है कि कल क़ियामत के दिन वो आएगा तो फिर उसके साथ जो मामला होगा, गुज़िश्ता मैंने अर्ज किया कि नेकियों का बाग तो अपने साथ में लाया होगा लेकिन बहुत सारों के हुकूक तल्ब कर कर आया, बहुत सारों के हुकूक मार खाया, हक तलफियाँ की हैं,
زمین پر رہنے بسنے والوں کے حقوق طلب کیا ہے, ظلم کر کر آیا ہے اوروں پر, چنانچہ اب اس ظلم کا بدلہ چکانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس نیکیاں جو ہے وہ اس کی نیکیاں, مظلوم کو جس پر ظلم کیا ہے اس نے اس کو اس کی نیکیاں دیتا جائے گا اس کے حق کے مطابق. چھوٹا ظلم ہے تو تھوڑی نیکیاں جائیں گی, بڑا ظلم ہے تو زیادہ نیکیاں اس کی طرف چلی جائیں گی. یہ حساب و کتاب کا ہم کیلکولیشن صحیح طور پر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, ہمارا دماغ اس کو پہنچ نہیں پاتا. ایک ہم کیونکہ لوگوں پر ظلم کرنا ہم نے اتنی چھوٹی بات سمجھی اور اتنا بڑے سے بڑا ظلم بھی کر ڈالے گا, بڑے سے بڑا ظلم کر کے کرنے کے باوجود بھی اس کی نظر میں وہ ظلم نہیں متصور ہوتا, ارے تو معمولی سی بات ہو گیا, احساس ہی نہیں ہے کسی بات کا, احساس ہی نہیں ہے کسی بات کا. اللہ اکبر, احساس رکھنے والے ایمان والا دل, دل پہلو پہ بھڑکنے والا جو دل ہے وہ اگر ایمان والا ہوگا, ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا تو اس کو احساس ہوتا ہے ظلم کا, کسی کو تکلیف پہنچنے کا جو احساس. حضرت غالباً حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ایک کاملین میں سے بزرگ ہیں, وہ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے گھر سے, کوئی طویل سفر تھا, اس سفر پر نکلے گھر سے, توشہ وغیرہ باندھ کر گھر میں رکھ دیا گیا تھا کہ سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ میں توشہ روٹی وغیرہ جو بھی ہے وہ اپنے اس میں باندھ کر رکھ دیا. ان کی اہلیہ محترمہ نے وہ توشہ لگا لٹکا دیا گیا تھا, وہ سفر سے نکلتے وقت میں اس توشے کو اپنے ساتھ میں لے لیے, لے کر چل پڑے. کافی طویل مسافت جانے کے بعد میں اب سفر سے نکلتے, ہم بھی حیدرآباد سے نکلے مثال کے طور پر, اچھا بنا کے کر کے لے کے نکلتے ہیں, یہ نکلتے ہی ہو جاتے تھے شہر میں کہیں بیٹھ کے بھی چلو کھا لیں گے بول کے نہیں رہتا, ایک وقت گزرنا پڑتا ہے اس کو کھانے کا, گھر سے تو فارغ ہو کر نکلتے ہیں, ایک طویل مسافت پہ جب جائیں گے تو بھائی یہاں پر ذرا ٹھیک دکھ رہا ہے یہاں بیٹھ کے کھا لیں گے بول کے تقریباً شہر کے باہر ہم پہنچ جاتے ہیں جی, تو مختلف روٹس پر نکلتے ہیں, بامبے کی جانب نکلے تو تقریباً آپ بدر کے قریب قرب و جوار میں جی, سنگارڈی کے آگے خیال آتا ہے بھائی یہاں کھا لیں گے کچھ بھی ایسا, بھائی اس طرف نکلے تو تقریباً جھڑچلے کے پاس مہرون نگر کے آس پاس میں آپ کیا تھا بھائی اس روڈ پہ بنگلور کی روڈ پہ ادھر, یہ مختلف روڈ ہے تو ایک مسافت طے ہونی پڑتی. وہ اس مسافت پر پہنچے, کھانے کا وقت آیا, جیسے ہی انہوں نے ٹیفن کھولا, ٹیفن جیسے ہی توشہ انہوں نے کھولا, اللہ اکبر, جیسے توشہ کھولا اس توشے میں سے چوٹیاں, کالی چوٹیاں اس کے اندر تھی, کالی چوٹیاں اس کے اندر تھی, تو فوری طور پر اپنے توشے کو ویسے ہی باندھ لیا, ویسے ہی باندھ کر اتنی طویل مسافت طے کر چکے تھے, کونے میں محفوظ مقام پر اس کو جھٹک دیتے اور کھا لیتے اپنا ٹیفن. ہم تو یہ بولتے یہ بھی بہت بڑی شرافت کی علامت تصور کرتے, ارے واقعی کیا نیک آدمی, کیا شریف شرافت والا, کیا معاملہ ہے, اتنا بیچاروں کو تکلیف نہیں پہنچنا ہو کے اتنا احساس کر, اس کو یہ بہت بڑی بات سمجھتے. اب وہ اپنا توشہ باندھ کر اتنی طویل مسافت پر واپس باندھ لیا توشے کو احتیاط کے ساتھ میں, باندھ لے کر پھر واپس اپنے گھر کو آ گئے. گھر آ گئے اہل محترمہ پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے, کیا سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا آپ نے, آپ اپنے کام میں رہے. توشہ کھولا اور جہاں پر توشہ بندھا ہوا تھا وہیں پر ان ساری چوٹیوں کو آپ نے, کالی چوٹیوں کو صاف کیا, وہاں پر پھر سے توشہ باندھ لیا. آپ نے فرمایا کہ سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا, سفر کا تو کمل عزم و ارادہ ہے
लेकिन जब मैं ये तोशा वहां पर उस मकाम पर खोला, मसाफत इतनी मसाफत जाने के बाद तो इसमें से चींटियां निकलने लगी, तो मुझको ये एहसास हुआ कि इन चींटियों को उनके अपने घर से कैसे जुदा कर, मैं वहां खा लेता हूं तो चींटियां वहीं पर बिखर जाती, उसका अपना खानदान कबीला होगा, उसका अपना घर बार होगा, मैं उसको उनके घरों से कैसे मैं जुदा करूं, मैं लबा की बारगाह में क्या जवाब दे रहा। वापस आकर मैं इन चींटियों को उनके अपने घर के पास में छोड़ दिया और फिर अब मैं वापस जा रहा हूं सफर। ये एहसास होता है। हम तो बड़े बड़े मजालिम कर देते हैं, बराया ऊपर से ज्यादा अपना ऊपर जुल्म इतना होता है। तो किसी ने क्या खूब कहा कि जुल्म के लिए दुश्मनों की क्या जरूरत, अपनों का ही सितम बहुत कुछ है। ये मामला भाई भाई का हक मार खा रहा है, भाई बहनों के हकूक मार खा रहे हैं, एहसास नहीं है किसी बात का। ये ईमान वालों की कैफियत कितना, मैंने रज किया ना सिर्फ पौने चार रत्ती, किसी का कोई अगर बाकी रह गया, पौने चार रत्ती अगर कोई किसी का बाकी रह गया तो 700 मकबूल नमाजें उससे लेकर उसको दे दी जाएगी। अब जिंदगी तमाम में पहले तो 700 नमाजें निकलती हैं क्या देख लें, फिर 700 नमाजें निकली तो उसमें से मकबूल नमाजें जो होती है, मकबूल नमाजें कितनी निकल पाती है, जिन्हें मुकम्मल पाकी और तहारत के आदाब का ख्याल रखते हुए मुकम्मल तौर पर इखलास से भरपूर जो नमाज, ला सलात इल्ला बिहुदूरिल कल्ब वाली, के दिल लगाए बगैर, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नमाज ही नहीं है। हम तो आते तो दिल दुकान में अटका के आते, हम तो आते तो दिल कहीं और नेट में अटका हुआ रहता है, हम तो नमाज के लिए आकर ठहरे, आने वाले जो है नहीं आने वाले तो बेगैरत पड़े रहे वैसे नालायक लोग, नहीं आने वाले तो वो अपनी जगह, आने वालों के लिए अहवाल है। दबादारों में दिल अटके हुए होते हैं, खेल कूद में दिल अटके हुए होते हैं, तमाशों में दिल अटके हुए होते हैं, आगे ठहर जाते हैं। एक फर्ज की अदायगी आके ठहर जाते हैं, फर्ज से उतर जा रहा है, कुछ लम्हे के लिए भी ख्याल आ गया कि मैं अल्लाह का फर्ज अदा कर रहा हूँ, फर्ज अदा करने के लिए आया हूँ, अल्लाह पाक उसका फर्ज उसके जिम्मे से उतार लेता है। लेकिन नमाज मकबूल होना इल्ला बिहुदूरिल कल्ब, नमाज नमाज ही नहीं है दिल की हाजिरी के बगैर, दिल आते बैठा। अब इसका यह मतलब नहीं कि ये नमाजों से क्या होता भाई, वो शैतानी टोले ऐसे भी निकल गए बहरूपी है। अरे दिल की नमाज पढ़ना, अरे दिल की नमाज जी, दिल की नमाज पढ़ना ये इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अरे दिल की नमाज पढ़ना ये मतलब समझा, आखिर जिस्म ठहरा देना, वही सजदा रुकू कौवा क्याम जलसा जुलूस करना, लेकिन दिल लगाए रखना है, ये है दिल की नमाज। दिल लगाकर नमाज पढ़ना ये मतलब है उसका, ये नहीं कि कहीं भी ने नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो दिल की नमाज पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सजदा रुकू वाली नमाज जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तो नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह मुझको नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सजदों को सहाबा ने देखा, रुकू को सहाबा ने देखा, कौमा क़याम को सहाबा ने देखा, जो आज हम ये रुकू सजदा कौमा क़याम हम उसका एहतमाम करते हैं, मुझको जैसा पढ़ता हुआ देखते हो उसी तरह तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी नमाज पढ़ो उसी तरह जिस तरह मुझको नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। हुजूर का फरमान है, कोई अगर इस नमाज का इनकार करता है तो मुसलमान बाकी नहीं रहता है। अरे जे जाए के पीर और मुर्शिद बन के फिरे, मुसलमान ही बाकी नहीं है वो। इस नमाज का अगर कोई इनकार करता है अल्लाहुस्समद, ये मैं बता रहा हूं हुजूरियतन, तो मकबूल नमाजें जो होती हैं वो आदाब का ख्याल रखना है, मुकम्मल नमाजों में वो तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की उसकी रिजा और उसकी खुशनूदी के लिए नमाज का एहतमाम होना, दिल लगाना है नमाज में, तो कहीं जाकर नमाज मुमकिन है अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए।
لازم ضروری یہ ہم تم نے یہ پڑھ لیا قبول کرنا ہی کرنا نہیں, وہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے اس کی نوازش, نوازش اس کی ہماری نمازوں میں ہماری عبادتوں میں وہ قبولیت کی وہ کیفیات جو ہونی چاہیے ہے کام پہلی بات مقبول نماز. بتا رہا تھا میں کہ حقوق کا جو معاملہ ہے پونے چار رتی کسی کا اگر کوئی باقی ہے مال پونے چار رتی برابر بھی اس کے حصے میں اگر باقی ہے تو اس کے لیے اس کے عوض میں 700 مقبول نمازوں کا ثواب اس کی طرف دے دیا جاتا. اب وہ کتنی تیزی سے کتنا ظلم کا ہمارا پرسنٹیج دیکھے جی, ایوریج دیکھ لے کس حد تک ظلم, کتنا ظلم, کتنوں کے حقوق سلب, کتنوں کی عزتیں اتاری ہیں, کتنوں کو گالی گلوچ کیا, کتنوں کی غیبتیں کی, کتنوں پر بہتان ترازیاں کی ہیں, کتنوں کا مال دبا لیا ہے, وہ طرح طرح کے جو مظالم ہیں جن کو ظلم بھی تصور نہیں کرتے, ایسے ڈھیر سارے ظلم کر کر اب وہاں تو سکڑوں میں ختم ہو جائیں گی نیکیاں. نماز تو نماز ہے, نماز تو کئی ایک نیکیوں کا مجمع ہے, نماز کئی ایک نیکیوں کا مجمع ہے, نماز اتنی ساری تو مقبول نماز تو ساری نیکیاں, تلاوت قرآن اس کے اندر جی, ذکر و اذکار اس کے اندر, دعائیں اس کے اندر, ایک نماز کے اندر تکبیرات اس کے اندر, تسبیحات اس کے اندر, ایک نماز کے اندر اتنی ڈھیر ساری عبادتیں, ڈھیر ساری نیکیوں کی ہم اقسام کی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں, عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں, وہ سب ملا کر ایک نماز بنتی ہے. پھر وہ بھی مقبول نماز جو مقبول ہو جائے, وہ 700 نمازیں پونے چار وقت کے عوض اگر کسی مظلوم کو دے دی جا رہی ہے تو کس کے پاس کیا بچے گا؟ حضور نے فرمایا حقیقی مفلس وہ عبادتیں کثرت سے کیا تبھی تو نیکیوں کا ڈھیر لے آیا, زکات کا اہتمام بھی کیا ہو, اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بات, حج بیت اللہ کیا ہوگا, خیرات و صدقات بھی کیا ہوگا ایک طرح, لیکن ظلم کر کر آیا ہے. اللہ ہو اتنا نیکیوں کا ذخیرہ جو لیا سب چلے گیا, پھر اب سب ختم ہو گیا سارا ذخیرہ, اب سامنے والے کے گناہ اس کے حصے میں اپنے کیا نہیں رہے تو اب سامنے والے گناہ تو کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم خطا کار ہے, ہر ایک کے پاس خطا ہے, وہ خطا ہے اب اس کے حصے میں آ رہی ہے, مائنس میں جا رہا ہے, مائنس میں جا رہا ہے کنٹینیو. اب وہ سامنے والے مظلومین کی خطائیں اور گناہیں جو ان کے ہیں گناہ وہ اس کے حصے میں ڈالے جا رہے ہیں, جتنا ظلم تھا اتنے ظلم کے مطابق مناسبت سے اس کے گناہ اس کے حصے میں آتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ ہے, مفلس یہ ہوا. حضرات گرامی یہ ادخلو فی السلم کاف, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں ذرہ برابر بھی اگر تمہارے اوپر تم نے کسی پر ظلم کیا, تمہارے اوپر کسی کے حق ہے تو تم ضرور ضرور ان حقوق کو ادا کر دو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا, اس سے پہلے تم لوگوں کے حقوق ادا کر دو. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مظلومین کے حقوق, مظلومین کو ظالموں سے اللہ تعالی حقوق دلائے گا, ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم ہوگا اللہ تعالی اس مظلوم کو اس کا حق دلائے گا. آخرت کے دن کوئی بھی چھوٹا دل کر کر نہیں بیٹھ جانا, ظلم ہوتا ہے کوشش کر لینا, تدبیر کر لینا, سامنے والے کو بھی اللہ کا خوف دلا دینا تاکہ وہ قیامت کی پکڑ سے وہ بھی بچ جائے, لیکن آپ خسارے میں نہیں, آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ خسارے میں نہیں ہے, آپ نقصان میں نہیں ہے, بڑے فائدے میں ہیں آپ. جب نیکیوں کا ایسا بھار ذخیرہ کہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا, ایک ایک نیکی کے لیے ایسی کیفیت ہوگی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب اعمال تولے جائیں گے بندوں کے الوزن یومئذ للحق, اس دن
मीजान कायम किया जाएगा, तराजू। ये डिजिटल आजकल लग रख दिए तो नंबर आ जा रहे, डिजिटल मीजान तराजू रहेगा। एक एक पल्ले में, एक पल्ले में वह रखा बर्फ रखा जाता है, दूसरे में जी जिंस डाली जाती है, वजन किया जाता है कितने किलो क्या है, ये मीजान। ये हकीकी कॉन्सेप्ट है तराजू का, तराजू कायम किया जाएगा, मीजान। एक पल्ले में नेकियां डाली जाएगी, एक पल्ले में गुनाह डाले जाएंगे, तोला जाएगा, वजन किया जाएगा। कुरान करीम में बार बार कई एक मकाम पर इस मजमून को बयान किया गया है। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, यही मजमून का बयान। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, उसी मजमून का बयान। जिसके आमाल नेकियों का पल्ला जिसका भारी पड़ जाएगा, जिसका पल्ला हल्का हो जाएगा, उसी का तज़किरा है, तोला जाए। अब ये मामला के अब जहां पर तकुलत मवाज़ीन फहुवा फी ईशति राज़िया, नेकियों का पल्ला जैसे भारी पड़ गया, क्या ये लेवल पे आ गया, जर्रा भी झुक गया तो ये भारी हो गया, ये जन्नत में जा, क्योंकि तेरा नेकियों का पल्ला भारी पड़ गया, नेकियों का हल्का हो गया, गुनाहों का भारी पड़ गया, हल्का हो गया। ये तो ये क्या जिंस ये ज्यादा हो गई, बोले जाता है तो दांत जब तक आता दुकानदार भी आप भी देखते रहते, अरे अभी तो अभी थोड़ा कम दिख रहा, कांटा इधर दिख रहा था, डालो बोलते उसको, यानी अभी बराबर इतने हुआ बोलकर देने के मामले में। तो ये हमें ताकीद है इस्लामी तालीमात के सामने, जब देते हैं तो झुकता हुआ तोलना, झुकता हुआ यानी सामने जिसको दे रहे हैं आप उसका झुकता हुआ रहने का है। ये हमारी मार्केट तो तोलने की नहीं है, नापने की मार्केट है, यहाँ पर तो थोड़ा छोड़ के काटने का है। मगर कितने ऐसे हैं जो छोड़ के काटते हैं, बल्कि सामने वाले की आंखों में धूल झोंक के काटते हैं जी, ऐसे भी है, नापते इसी अंदाज से बड़ी महारत से कहते ना इतना है बोलकर। अब सामने नापा बेचारा तो इन्हें मुआकिब कर लेता कि भाई इतना नापा है, बराबर 5.25 मीटर नापा, घर को जाकर देखे तो 4 मीटर 90 सेंटीमीटर ही है, कितना बड़ा धोखा। बड़ी सख्तरीन वाई, बड़ी सख्तरीन वाई दे आई। वही लुल मुतफफीन الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون। अल्लाह पाक ने फरमाया वैल है उनके लिए, जहन्नम की वादी है, वादी ऐसी वादी, वैल की वादी के ताल्लुक से आया कि रोजाना जहन्नम खुद 70 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगती है उस वैल वादी से। वैल वादी है उन नापने तोलने वालों के लिए जो सामने वालों से तो लेते हैं तो बराबर बराबर लेते हैं, और सामने वाले को किसी को देते हैं तो डंडी मारते हैं। युखसिरून, ये मामला अर्ज कर रहा था, मीजान कायम किया जाए, तराजू पल्ला नेकियां हो जाए, पल्ला जैसे नेकियों का भारी पड़ेगा, भारी पड़ जैसे भारी हुआ, वजनी हुआ, झुक गया, जा बंदे तो जन्नत में जाओ, अल्लाह पाक की बारगाह से फैसला, अल्लाह पाक उनमें हमें शामिल फरमा दे जिनका नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाए। एक बंदा होगा, अब वो दाते गए नेकियों का पल्ला आते 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 लेवल पे आ गया। अब इंतजार में रहते हैं, अभी थोड़ा दालो बोलते हैं जी, बिल्कुल ऐसा लेवल पर आ गया, बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। अब या एक बुराई कम करे तो नेकियों का पल्ला जरा झुक जाता, या एक नेकी इसमें डाल दे तो भी नेकियों का पल्ला झुक जाता, एक बुराई के पल्ले में से निकाल दिए तो भी झुक जाएगा, यानी होने उड़ जाएगा आपको, इन्हें क्या झुकता, होने उड़ जाता, नेक गुना निकाला गया, एक बुराई अगर निकाली गई तो फिर गुना उड़ जाता, इन्हें झुक जाता, जो इक्वल है बराबर है वो खत्म हो जाती, या नहीं तो फिर इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा। नेकी नेकी के पल्ले में नेकी डाल रहा है, एक छोटी सी नेकी भी इसके अंदर डाल दे तो अब ये झुक जाएगा, अब इस लेवल पर आ गया है। अब कैसा तजस्सुस रहता है ऐसे वक्त पर, क्या हो रहा, हिसाब किताब का मामला अल्लाह की बारगाह में। इसके बाद हमेशा अबदुल आबाद की खैर और शर भलाई, गुना उसके अजाब या सवाब का, जन्नत या जहन्नम का फैसला होने वाला है। एक आध बरस, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, हमेशा की जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला, तजस्सुस में इंतजार में है बिल्कुल। अब जाकर रुक गया आखिर, इसकी सारी बुराइयां जो डालनी थी बुराइयां तो थी, बुराइयां पूरी
गई, नेकियां जितनी सारी नेकियां डाल दी गई, जाके इक्वल पे आके रुक गया उन्हें। अब अल्लाह पाक फरमाएगा कि बंदे एक नेकी की कमी है, एक छोटी सी नेकी है जिंदगी में अगर कर लेता कोई और एक नेकी और कर लेता तो बेड़ा पार था तेरा, तो जन्नत में चला जाता। जा, तेरे बहुत सारे चाहने वाले थे दुनिया में, जिन माँ जैसी तेरे ऊपर अपनी जान लुटाने वाली, बाप इतना माल लुटाने वाला, तेरे लिए इतनी मेहनत और मशक्कत करने वाला, यार तो तेरे बहुत सारे दुनिया में ऐसे यार दोस्त थे, बीवी बच्चे बहुत कुछ, बहुत अकरबा, बहुत चाहने वाले दुनिया में थे। जा एक नेकी ले आ ले, एक नेकी ले आ ले, वो उसमें डाल देंगे, जन्नत में चला जाए। अब उस एक नेकी को पाने के लिए, मांग कर लाने के लिए, माफ कर लाने के लिए सारे कयामत के मैदान में चक्कर काटेगा। माँ की तरफ जाएगा तो माँ भागेगी, बाप की तरफ जाएगा तो बाप भागेगा, बेटा मुंह फेरा कर चला जाएगा बेटी की तरफ, हर कोई मुंह फेर लेगा। यही कयामत का दिन का आलम है। अल्लाह हू अकबर। अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन इल्लल मुत्तफ़िक। अल्लाह पाक ने फरमाया कयामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त भी जो होंगे वो भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होंगे, एक दूसरे के दुश्मन ही होया। दोस्त दुनिया में जान छिड़क देता था, मेरे दोस्तों के लिए मैं सब कुछ कुर्बान बोलने वाला, लेकिन कल कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय उनके जो तकवे वाले हैं। मुत्तकीन के कैफियत ये नहीं होगी, तकवे वालों का मामला तो वो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत दी जाएगी, तो वो तो अपने शिनासों, अपने पहचानकारों को, अपने पहचान वालों को, दीगर दूसरे ईमान वालों की शफात करेंगे। लेकिन ये आम उमूमी जो अहवाल और हालात है तो कुरान ने वो बयान किया, उसकी मंजर कशी थी। अब आलम ये कि एक नेकी के लिए बस पूरे हशर के मैदान में जितने अपने महसूस करता था सभी कने चला गया, सभी के पास चला गया, एक नेकी भी नहीं मिल पाई। वापस बड़ा मायूस हुआ, मायूस होकर एक नेकी भी मिल नहीं पाई। एक नेकी छोटी भी मिल जाती माँ ही दे देती थी, माँ ही दे देती जो खुद भूखी रहकर दुनिया में खिलाती थी, लेकिन कयामत का मंजर ही अलग होगा, वो भी नहीं देती। मायूस हो जाएगा कि अब क्या होगा, अटक गया, बीच में अटक गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आखिरकार इसकी परेशानियां देखते हुए एक बंदा है जिसके पल्ले, जिसके नाम आमाल में सिर्फ एक ही नेकी है, वो बोलेगा कि क्या हुआ है, बोलेगा कि एक नेकी के वास्ते पूरों के ने, पूरे जान पहचान वालों का ने, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का ने फिर लिया, घूम लिया, कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि मेरे पास गुनाह तो भरे पड़े हुए हैं, नेकी तो मैं एक नेकी है, इसने एक नेकी से मेरा क्या बनने वाला है, मैं तो जहन्नम में जा रहा हूँ, इस एक नेकी से मुझको मिलेगा क्या कुछ, कंपैरिजन में कुछ लेवल कुछ मामला होता तो कुछ उम्मीद लग सकती थी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक नेकी है, मैं क्या करूँ ये नेकी लेकर, गुनाहों से तो मेरा नाम अमाल भरा पड़ा है, ये नेकी ले जा। दे दिया, वो नेकी लेकर पहुँचा मौला तबारक तआला की बारगाह में, मौला नेकी ला लिया हूँ। अल्लाह पाक फरमाएगा के बंदे किसने दिया है, वो अर्ज करेगा कि मौला ना माँ देने के लिए तैयार है छोटी सी नेकी, ना बाप देने के लिए तैयार है, ना कोई दुनिया का कोई जान पहचान वाला। एक बंदा था जिसके पास महज एक ही नेकी थी, उसने कहा कि मैं तो जहन्नम में जा रहा हूँ, गुनाह ही भरे हुए मेरे पास, कोई जन्नत में जाने की उम्मीद नहीं है, एक ही नेकी मेरे पास, ये नेकी क्या करूँ मैं, ले ले तो तेरा काम बन जाता है। अल्लाह पाक फरमाएगा के बंदे तू भी उस एक नेकी को तेरे नाम आमाल में डाल दे, पल्ला झुक गया, तू भी जन्नत में जा, वो एक नेकी देने वाला जो है उसको भी जन्नत में साथ ले जा। अल्लाह हू अकबर। ये है मामला। तो एक इंसानी जो दुनिया में हुकूक है, नेकियां दे दी जाती हैं, किसी पर जुल्म किया, गाली दिया, गीबतें किया है, उस बिना पर इसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी। छोटा सा जुल्म मैंने बता दिया कि जो दो हुकूक तलब करने का मामला है, पौने चार रत्ती बराबर
का हो, बहन का हो, किसी का, पड़ोसी का हो, किसी का हो, अपना पराया हो, गैर का माल भी धोखे से खाने की इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर। तो गोया फरमाया 700 मकबूल नमाजें दे दी जाती हैं, क्या बचेगा दुनिया में। इसीलिए आका ने हुजूर ने ताकीदन फरमाया, ताकीद के साथ फरमाया कि तुम जरूर जरूर, तुम्हारे ऊपर अगर किसी का हक है, किसी पर जुल्म किया है तुमने, तो उसका हक उसको अदा कर दे, वो माल अपने लिए हलाल कर ले, उसे इजाजत ले ले, या उसका हक उसको अदा कर दे, उसको राजी कर ले, कबल इसके कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन न दिरहम होगा न दीनार होगा। अल्लाहु समद। हजरत गिरामी, हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक कब्र के पास आप रुके और आपने उस कब्र वाले को हुक्म फरमाया, मुर्दे को हुक्म फरमाया जिंदा होने के लिए, तो जिंदा होकर बाहर आ गया। हजरत ईसा अलैहि सलाम, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन को इख्तियार अता फरमाता है, इस इख्तियार का तज़किरा कुरान पाक में खुद हजरत ईसा अलैहि सलाम अपनी जुबान से ऐलान करते हैं, इन्नी उहयिल मौता, इन्नी उहयिल मौता, कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह की इजाजत से, मुर्दों को उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को मैं जिंदा करता हूँ। जिंदा किया आपने, पूछा उससे, बात किया हजरत ईसा अलैहि सलाम ने, कि बता तू कौन था, क्या किया करता था और तेरा क्या अहवाल, क्या हालात तुझ पर गुजर रहे। उसने बताया कि मैं हम्माल हूँ, लकड़ियों के गड्ढे उठाता हूँ, लोग बोलते हैं इधर से उधर, उस ट्रांसपोर्टेशन का काम उठाकर मैं लोगों के अपने मकाम, उनके अपने मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। बताया कि इतने साल पहले मेरा इंतकाल हुआ और मैं मरने के बाद से, जब से मुझको दफन किया गया उसके बाद से आज तक मैं अजाब में और तकलीफ में हूँ, और वो इस वजह से कि लकड़ियों का गड्ढा किसी का मैं उठाकर ले जा रहा था, उस लकड़ियों के गड्ढे में से एक तिनका निकाला, एक तिनका निकाल कर मैंने खिलाल किया, दांत साफ कर मैंने डाल दिया, एक तिनका उस गड्ढे में से, उसकी अहमियत क्या होती है, लकड़ी का गड्ढा है, कोई संदल की कोई अलग है, लकड़ी का आम गड्ढा होता, एक तिनका निकाल कर मैंने दांत साफ किया, खिलाल कर उसे डाल दिया, उसके वज़ह में आज तक मैं अज़ाब में मुब्तला हूं। अल्लाहु अकबर। क्या हुकूक होते हैं, हुकूक की क्या अहमियत होती है लोगों के, जो हुकूक उसका अंदाजा हमें लगाना मुश्किल है। खुदा लोगों के हुकूक की अदायगी के मामले में बहुत हसास होने की जरूरत है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हर मुसलमान को हुकूकुल इबाद की अहमियत समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरत गिरामी, मौला तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हम तमाम पर लुत्फ व करम फरमा करे, तौफीक खैर अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हमें अपने ऊपर जो कुछ लोगों के हुकूक वाबस्ता है, मौला तआला उन हुकूक को कबल इसके कि हमें मौत आ जाए अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों के हुकूक का एहसास करते हुए मौला तआला जिंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाही सैयदिल मुरसलीन।